वेलकम है दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर। तो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं स्टॉप लॉस को लेके और राइट ट्रेड हम कहाँ पे करें, क्योंकि मोर देन अगर आपने देखा होगा कि जब भी हम स्टॉप लॉस जब भी हम कोई ट्रेड करते हैं तो SL काफी टाइम हमारा हंट होता है। उसका रीजन आपने कभी जानने की कोशिश किया क्या है? अभी तक हमने जो प्रैक्टिकल हमने यहाँ पे देखा है मार्केट के साथ, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करूंगा कहाँ पे हमें ट्रेड करना है एंड कहाँ पे हमें ट्रेड को प्योरली अवॉइड करना है। जब भी आप देखोगे तो बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि यार ट्रेड साइडवेज मोड पे नहीं करो, क्योंकि वहां पे मोर देन चांसेस होते हैं कि आपके SL हंट होंगे। लेकिन कभी कभी ट्रेंडिंग में भी आपके SL हंट होते हैं, उसका मैं आपको लाइव यहाँ पे चार्ट पे दिखाऊंगा किस तरीके से कौन से ट्रेड हमें अवॉइड करना है और कौन से ऐसे ट्रेड है जो कंफर्मेशन बहुत अच्छे काम करते हैं। हमें वो दिन में अगर एक भी ट्रेड मिल गया तो पूरे दिन का हमें कमाई देके चले जाएगा, लेकिन अगर हमने दो चार ट्रेड अगर गलत कर लिया तो दोस्तों हमें स्टॉप लॉस दिन भर में उसी को रिकवर करना पड़ जाएगा लॉस को। तो ये वीडियो खास करके न्यू ट्रेड हम कैसे करें एंड अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन कैसे करें उसके बारे में यहाँ पे समझेंगे। तो वीडियो को दोस्तों पूरा वॉच करना विदाउट स्किप करें, अगर आप स्किप करोगे कोई ना कोई पॉइंट्स को मिस कर दोगे। पिछले वीडियो में भी हमने डिमांड एंड सप्लाई जोन के ऊपर काफी बात किया है, आप चाहें तो वो वीडियो भी जाके वॉच कर सकते हो। और अगर ये वीडियो में आपने कुछ सीखा और अगर आपको कुछ अच्छे इंफॉर्मेटिव चीजें आपको मिली तो दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर मैसेज करो एक प्यारा सा और वीडियो को लाइक कर दो। चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे सामने एक चार्ट है, मात्र 1 आवर्स का चार्ट हमने लिया है, ऐसे 3-4-5 एग्जांपल्स हैं और कुछ हम नए एग्जांपल्स भी यहाँ पे देखेंगे, तो हो सके जरा वीडियो बड़ा भी बन जाए। लेकिन अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो मोर देन स्टॉप लॉस आपके हिट होना कम हो जाएंगे और कहाँ पे ट्रेड करना है उसके बारे में आपको काफी आइडिया हो जाएगा। अब देखना हमारे सामने ये चार्ट है, एलिस का चार्ट है, जहाँ पे ऐसे ये जो मार्केट ऊपर जा चुका है, इस चीज को हम यहाँ पे पेवरली रिमार्क कर देंगे। यानी कि यहाँ ये देखिए जो ये फॉल हुआ है ना प्राइस, इधर से ऊपर हम यहाँ पे कर देंगे। मान लो मार्केट यहाँ पे चल रहा था और ये फॉल के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है कि यार प्राइस यहाँ से फॉल होने वाला है, राइट? अब यहाँ पे नॉर्मल एक व्यक्ति क्या करता है, जो भी पर्सन एज ए न्यू ट्रेडर्स है जो मार्केट के अंदर आए हैं और जो न्यू ट्रेडिंग, उनको इतना मालूम है कि भाई ब्रेकआउट होगा तो हमें लॉन्ग एंट्री बनाना है, RSI अगर कन्फर्म देगा वॉल्यूम आएगा तो हमें लॉन्ग एंट्री बनाना है। तो इस मैटर पे अगर आप देखोगे, इसने यहाँ पे इसका ब्रेकआउट किया है, साफ एक कैंडल ने ब्रेकआउट किया है। अब इसके बाद में ब्रेकआउट के बाद प्राइस काफी टाइम सस्टेंस भी किया है और एक बड़ी कैंडल यहाँ पे फ्लो भी किया है। अगर वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट कैंडल में अच्छी खासी वॉल्यूम आई, RSI 60 के ऊपर है। और डबल कंफर्मेशन की बात करें हम यहाँ पे तो दोस्तों ये भी एक अच्छा कंफर्मेशन है यहाँ पे कि यहाँ पे डबल बॉटम बनाया प्राइस ने, यानी कि सेम प्राइस से बायर ने अगेन उठा लिया। तो ये पूरा प्योरली कंफर्मेशन होता है कि यार यहाँ से हमें लॉन्ग ऑर्डर करना है। देख के आपको क्या लग रहा है, लॉन्ग करना चाहिए? अब यहाँ पे एक न्यू ट्रेडर्स इतने सारे कंफर्मेशन तो देख लिया, देन उसने अपना SL मान लो 1 कैंडल के नीचे रखे, देन यहाँ पे जो प्रीवियस हाई है उसने अपना यहाँ पे टारगेट सेट कर लिया कि हाँ भाई प्राइस यहाँ तक जाएगा तो हम इजिली एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेंगे। अब इस मैटर में हुआ क्या, प्राइस ने यहाँ पे 2 से 3 कैंडल में क्या किया, आपकी स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। उसका मेन रीजन मैं आपको बताता हूं ऐसा आखिरकार हुआ क्यों। देखिए अगर हम इसको बैक कर देते हैं और ये जो मैंने भी जस्ट बनाया इसको डिलीट कर दूं। अब देखिए अगर हमारे पास कुछ ऐसे चार्ट है तो हमें कभी भी चार्ट को आइडेंटिफाई कैसे करना है, सबसे पहले हमें एक सपोर्ट एरिया ढूंढना है। हमने ये सपोर्ट एरिया देख लिया कि यार प्राइस बार बार यहाँ से रिस्पेक्ट कर रहा है, देन ये सही है कि प्राइस इसके ऊपर यहाँ पे क्लोज किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें रेजिस्टेंस भी तो ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जस्ट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ढूंढा, तो क्या प्राइस ये रेजिस्टेंस के ऊपर गया है अभी तक? नहीं गया है, तो इस ब्रेकआउट का कोई मतलब ही नहीं है। और सबसे ज्यादा लोग यहीं पे ट्रेड करते हैं और अपने कैपिटल को लूज करते हैं। अब अगर प्राइस को अगर आप देखोगे तो प्राइस एक चैनल जोन में फंसा हुआ है, अगर प्राइस इस जोन से अगर बाहर निकल जाता है एक बार तो मोर देन चांसेस होगा प्राइस अगेन एक अच्छा हाई बनाएगा। कौन से रेंज का हाई बनाएगा, अप्रोक्सीमेटली ये रेंज हो सकता है
18% इजिली यहां से ब्रेकआउट के बाद हाई बनाते हैं, लेकिन प्राइस को पहले ब्रेक तो होने दो। अब ये वन हॉर्स के चार्ट में प्राइस ने वो सारे काम कर दिया आपके साथ, कंफर्मेशन दे दिया, सब कुछ दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, जो कि एक न्यू ट्रेडर से यहाँ पे देखता है। लेकिन ये मेन रिजेक्शन उसने नहीं देखा कि प्राइस यहाँ से बार बार रिजेक्ट हो रहा है, तो क्या थर्ड टाइम क्या ब्रेकआउट कर सकता है? ब्रेकआउट करेगा तो एंट्री लो। अब यहीं पे आपने क्या किया, जैसे एंट्री बनाया वहां से सेलर हैवी बढ़े, और जो यहाँ से जो सेलर हैवी पड़े हैं वो सेलर इतने हैवी पड़े कि फाइनली यहाँ से नीचे लेके गए। अब उसका रीजन जानना कि नीचे क्यों लेके गए, क्योंकि यहाँ पे ये कंफर्मेशन पे और ये RSI के वॉल्यूम के कंफर्मेशन पे बहुत सारी एंट्रियां यहाँ पे प्लेस हुई, बहुत लोगों ने लॉन्ग ऑर्डर प्लेस किया, इसलिए सबके SL को लेने के लिए मार्केट यहाँ तक आया नीचे तक। उनके स्टॉप लॉस, मार्केट को पता है कि स्टॉप लॉस सबसे ज्यादा लगा कहाँ पे है, प्राइस ने देखिए प्रॉपर आया और सभी के स्टॉप लॉस यहाँ पे परफेक्टली हिट कराया प्राइस ने। देखिए इस कैंडल के नीचे तक यहाँ तक प्राइस गया, परफेक्टली सबके यहाँ पे SL हिट कराया एंड उसके बाद यहाँ पे प्राइस बैक हो गया। अभी प्राइस धीरे धीरे ऊपर गया। अब ये एक्चुअल एंट्री हमें लेना कब था, अब उसको समझना। अब यही ट्रेंड लाइन को मैं जरा सा ना यहाँ पे और बड़ा कर देता हूँ, और इसको जरा सा स्पीड हम बढ़ा देते हैं। अब देखना प्राइस आया अगेन रेजिस्टेंस, विशेष जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बना था, अब उसको ब्रेक करके ऊपर गया। अभी भी हमें कोई ट्रेड नहीं लेना, हमारे पास कोई कंफर्म ट्रेड नहीं है। ओके, जब इसकी ब्रेकआउट अगर हमें मिलेगा तभी हम ट्रेड लेंगे, क्योंकि ये हमें एक्चुअल एक रेजिस्टेंस दिख रहा है जो कि एक वन हॉर्स के टाइम फ्रेम के अंदर मल्टीपल रिजेक्शन है, तो इसके ऊपर मैदान खाली है, लेकिन इसके अंदर एक जोन में मार्केट फंसा हुआ है। अब देखो अब एक्चुअल प्राइस ने क्या किया, इसका ब्रेकआउट किया। अब चाहे तो आप यहां से अपनी लॉन्ग एंट्री प्लेस कर सकते हो, एंड स्टॉप लॉस चाहे तो एक कांडी के नीचे, या तो जरा सा सेफ रहने के लिए आप जरा सा नीचे रख के, और टारगेट जस्ट इसका प्रीवियस का हाई, अगर आप इतना भी रख दोगे तो भी मोर देन चांसेस होता है कि प्राइस आपको यहाँ पे टारगेट हिट कर देगा। एंड सेकेंड, प्राइस चलते चलते प्राइस में एक नया अप ट्रेंड बन गया, जहां पे ये देख पा रहे हो आप एक सपोर्ट एरिया बन गया, यानी कि फ्यूचर में प्राइस एक बार इसको सपोर्ट यहां पे कर सकता है। तो अभी आपने यहाँ पे क्या देखा, प्राइस ने कितना भी टाइम लिया यहाँ पे, लेकिन आपको यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट के बाद प्राइस नीचे देखने भी नहीं आया, कंटिन्यू ऊपर जाके एंड आपको यहाँ पे प्रॉफिट दे दिया। तो ये होता है ब्रेकआउट का फायदा। अगर आप फ्रॉम एग्जांपल इसी चार्ट में कुछ नया सीख लेते हैं, फ्रॉम एग्जाम्पल्स आप यहाँ से एक एंट्री बनाते लॉन्ग की, यहाँ तक प्राइस गया, लेकिन अगर प्राइस अकेले यहाँ से फॉल होता तो वहां पे क्या होता, अगर प्राइस अगेन यहाँ से फॉल होता तो आपको प्रॉफिट था, अगर आप यहाँ से शॉर्ट मारते तो, अगर यहाँ से लॉन्ग करते और प्राइस फॉल होकर नीचे आ जाता तो आपको वहां पे लॉस था। अब इसका एक और थिंकिंग आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अगेन यहाँ पे क्या हुआ है प्राइस। अब ये प्राइस, ये था सपोर्ट, प्राइस ने इसको तोड़ा, अगेन प्राइस पुल बैक किया, बरोबर पुल बैक किया, अगेन ऊपर आया, ये सपोर्ट के ऊपर आ गया प्राइस, एंड अगेन प्राइस यहां से रेड कैंडल फ्लो किया। अब जितने भी लोग शॉर्ट ऑर्डर प्लेस करते हैं, जितने भी लोग शॉर्ट ऑर्डर प्लेस करते हैं, उनका माइंडसेट क्या होगा कि यार मान लो ये चार्ट यहीं तक बना हुआ था, चार्ट ये जस्ट यहां तक चार्ट बना था, अगर चार्ट यहां तक बना है तो हमारे पास ये वाला डाटा नहीं है, यानी कि ट्रेंड लाइन हमारे पास अभी तक का ट्रेंड लाइन हमारे पास नहीं है। ओके, अब यहाँ पे उनका माइंडसेट क्या होगा, यहाँ से भैया हम शॉर्ट ऑर्डर प्लेस करें, स्टॉप लॉस हमारा इधर के इधर होगा, एंड जस्ट हमारा टारगेट कम से कम हमारा टारगेट यहाँ पे होगा कि यहाँ तक तो मार्केट
अगेन एक बार आएगा, लेकिन इस मैटर में क्या हुआ, प्राइस आया जरा बहुत, प्राइस ने सस्टेंस किया, लेकिन अगेन प्राइस रिवर्स गया और इनके एसएल को यहाँ पे हंट किया। और जैसे ही यहाँ पे प्राइस ने एसएल हंट किया, उसके बाद प्राइस का आपने मूव देख लिया। जैसे इनका एसएल हिट हुआ, प्राइस का आपने मूव देख लिया। तो इस तरीके से कभी भी आपको ट्रेड पहले आइडेंटिफाई करना है, तब आपको ट्रेड लेना है। अभी यहाँ पे आपका मेन टारगेट होना चाहिए लॉन्ग की शॉर्ट, दो टारगेट आप माइंडसेट में रखो। अगर लॉन्ग करना है तो लॉन्ग के बारे में ही सोचना। ओके, तो ये जस्ट एक ट्रेड था। दूसरा हम आते हैं यहाँ पे सेलार के अंदर। अब यहाँ पे देखिए, एक मैंने यहाँ पे ट्रेंड ड्रॉ करके भी रखा हूँ, जस्ट लाइक ये वाला। देखना, ये बहुत बेटर एंड ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छे से आपको समझेगा। अभी यहाँ पे देखना आप, एक न्यू ट्रेडर ट्रेड कहाँ से करता है। अगर आपको ट्रेड करना है तो आप सबसे फर्स्ट क्या करोगे, ये आपने एक सपोर्ट का लाइन ड्रॉ किया, राइट, एंड इसके बाद आपने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया, बरोबर। अब एक न्यू ट्रेडर्स क्या करेगा, जैसे ही मार्केट, ये देखो ये मार्केट यहां से नीचे उसने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया, अभी प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया, देन यहां पे उस पर्सन ने अपना प्रॉफिट रेशियो रख लिया कि भैया हम इतना इतना लेंगे, ओके। देन उसके बाद मार्केट यहाँ पे इंफॉर्मेशन, देखो मार्केट यहाँ पे वॉल्यूम दिया है इस कैंडल पे, आरएसआई 60 के ऊपर क्लोजिंग भी किया है और एक बड़ा ब्रेकआउट कैंडल है, लेकिन उसके बाद प्राइस क्या मूवमेंट किया, आइए देखते हैं उसको। देखो प्राइस टोटली, प्राइस यहाँ पे साइडवेज मोड पे, यहाँ एक ही जगह खेल रहा है, आपको टारगेट नहीं दे रहा है प्राइस। उसका रीजन क्या है मालूम है, देखिए यहाँ पे फाइनली स्टॉप लॉस भी हिट कर दिया, उसका आप रीजन जानते हैं क्या है, क्योंकि आपने गलत जगह पे ट्रेडिंग डिसीजन लिया। यही ट्रेड इसके ऊपर अगर आप लोगे तो ये एक रॉकेट बनेगा। यही ट्रेड को अगर आप इस चैनल के बीच में लोगे जहाँ पे गैप कम रहेगा, तो ये ट्रेड आपके साथ इसी तरीके से करेगा, क्योंकि ये जो ट्रेड है इस चैनल के बीच में कोई गैप ही नहीं। अगर मैं कैलकुलेट करूं यहां से इस एरिया से इस एरिया तक टोटल 10% अप्रोक्सीमेटली गैप आ रहा है, और आपने यहाँ पे 5% पे ऑलरेडी बाई किया है। देखिए परसेंटेज वाइज चलोगे तो अच्छा है, 5% पे तो आपने ऑलरेडी बाई किया ब्रेकआउट देख के। जो लोग ये सपोर्ट पे बाई किए हैं वो सभी यहां तक तो प्रॉफिट बुक करेंगे कुछ ना कुछ, बरोबर, राइट से बात है। कुछ लोग यहाँ का वेट करेंगे कि प्राइस यहां तक भी जा सकता है, लेकिन ये ब्रेकआउट के बाद प्राइस सस्टेंस नहीं किया, प्राइस नीचे आ गया, क्योंकि प्राइस के ऊपर ग्रीप यानी कि जगह नहीं है, और जब जगह नहीं है तो वहां पे लॉस होना स्वाभाविक है, ओके। अब कुछ ट्रेड में आपको ऐसे भी दिखाऊंगा जो ऐसे ब्रेकआउट के बाद बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी किए हैं, अब उसके पास भी चलते हैं हम। अभी मैंने कुछ और ट्रेड आइडेंटिफाई किया था, उसको दिखाता हूँ। चलिए, ये ट्रेड आपको बहुत जबरदस्त पावरफुल ट्रेड है, ये भी बहुत अच्छे से समझेगा। ये मैं जरा सा वन आवर्स में देखता हूँ इसका चार्ट कैसा दिखता है, उसके बाद अभी ये चैनल अगर हम देखें तो ये चैनल ऐसा है, कुछ प्रीवियस डाटा हम लोग देख रहे हैं, हाँ, तो इसमें जरा सा मिनिमाइज करके पूरा करना पड़ेगा चार्ट, आप लोग को जरा जरा छोटा दिखेगा बार, लेकिन अभी मैं उसको मैनेज कर दूंगा, ओके। तो अभी हम चार्ट यहाँ पे मैनेज कर देंगे। देखिए अगर मैं इस चार्ट को यहाँ पे देखूँ, मैं पूरा क्लियर करके दिखाता हूँ और अच्छे से समझेगा। इसको मैं बड़े टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में ना बहुत ज्यादा जूमिंग मेरे को करना पड़ रहा है यहाँ पे चार्ट को।
अब ये ट्रेड अगर हमें ये वाला ट्रेड करना है तो क्या हमें आइडेंटिफाई करना है सबसे फर्स्ट? देखना प्राइस ये चैनल से चल रहा था यहाँ पे, ओके। अब हमारे पास आगे का डाटा नहीं है फ्रॉम एग्जांपल्स कि हमारे पास अभी तक आगे का कोई भी हमारे हाथ में कोई भी डाटा मौजूद नहीं है। प्राइस हम मान लेते हैं प्राइस एक यहाँ तक है, ओके। प्राइस यहाँ तक है। अब इस मैटर में मोर देन लोग क्या चेक करेंगे कि प्राइस का जो सिनेरियो है कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे प्राइस सिनेरियो कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पे प्राइस क्या दिख रहा है कि प्राइस हाई लो एंड सेम सिनेरियो ऐसा चल रहा है, तो मोर देन लोगों का माइंड थिंकिंग क्या है? देखिए माइंड को आपको रीड किया जाता है, जितने भी बड़े बड़े वेल्स है आपके माइंड को रीड करते हैं। अब इस चैनल के अंदर प्राइस को यहां से 10 से 15% मूव करना है, ओके। और यहां से अगर मूव की बात करें तो टोटल होता है 25%, अप्रोक्सीमेटली प्राइस ने 10% मूव कर चुका है। अब यहाँ पे एक बड़ी बाइंग आई, ऑलमोस्ट सेम बाइंग आई, एक नया ट्रेडर्स क्या करेगा यहाँ पे बाय करेगा एंड अपना टारगेट यहां तक रखेगा एंड यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखेगा। अब इस मैटर में आइए देखते क्या हुआ। देखिए प्राइस ने कुछ समय सस्टेंस किया लेकिन फाइनली प्राइस ने क्या किया आपके एसएल को लेके गया। चलिए इसके पीछे का लॉजिक समझते हो आखिरकार ऐसा हुआ क्यों। अभी आप देखोगे इस चार्ट को मैं यहां से हटाऊं, हमने सबसे पहले ग्रीप की बात किया था। ये ग्रीप था टोटल अप्रोक्सीमेटली 25% के आसपास है, 25 बहुत हो गया, 24 24 है, 24% का है। प्राइस ने यहां से मूव ऑलरेडी 8% यहाँ पे कर चुका है, बचा कितना, इतना ही मूव बचा। और इस मूव को भी हम कैप्चर नहीं करेंगे, प्रीवियस हाई हम पकड़ते हैं। कभी भी अगर एक अच्छा टारगेट हमने को लेना था तो 20% हुआ, पहले तो प्राइस के पास दौड़ने का कोई वजन नहीं है, सेकंड प्राइस एक चैनल के अंदर ही फंसा हुआ है, प्राइस एक चैनल के अंदर फंसा हुआ है। तो इस मैटर में कभी भी हमें ट्रेड कंफर्मेशन कब करना है? अब मुझे ये चैनल तो ड्रॉ है हमारा, इसके साथ में मुझे एक डबल कंफर्मेशन ये दिखा कि यार प्राइस इसके बाद ये मोमेंट प्राइस यहाँ पे करने लगा, यानी कि प्राइस ने जैसे ही ये सपोर्ट को यहाँ पे तोड़ा है प्राइस अब ये चैनल पे ड्रॉ होने लगा, चलने लगा। अभी अपने को अब इस चैनल पे ट्रेड करना है, ना ही कि इस चैनल पे ध्यान देना है और ना ही अब इस चैनल पे ध्यान देना है। और आप चाहें तो इस चैनल पे भी ध्यान दे सकते हो क्योंकि अब ये चैनल चेंज हो चुका है। अब उसका रीजन दिखाता हूँ मैं आपको। कभी भी हमारे पास 3 पॉइंट होने चाहिए कॉन्फर्मेशन के लिए एक वैलिड ट्रेंड के लिए। यहाँ पे एक है, दो है, तीन है, मोर देन चार है, ये वैलिड ट्रेंड है, लेकिन प्राइस ने इसका ब्रेक डाउन कर चुका है। एंड अगेन अगर मैं इसको ड्रॉ यहाँ से करूँ, ये प्राइस को हम इस पे लेते हैं एंड देन हम इस पे लेते हैं, तो अभी आप क्या देख रहे हो, एक बार, दो बार, तीन बार, अभी ये वैलिड ट्रेंड बन चुका है। ये भी मतलब एक ऊपर का भी एक सपोर्ट अच्छा था जिसको तोड़ चुका है, अभी मेन सपोर्ट ये यहाँ पे बन चुका है। अभी आइए आगे प्राइस को देखते हैं। अभी हमें ये ब्रेकआउट ट्रेड पे लेना है, यहाँ पे हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि प्राइस के अंदर कोई ग्रिप नहीं है, कोई जगह नहीं है। जब हम ब्रेकआउट ट्रेड लेंगे तो हमें एक प्रॉफिटेबल ट्रेड दिखेगा, इसके बीच में मार्केट मोर देन चांस होगा फॉल हो जाए, तो ऐसे ट्रेड को अवॉइड किया करो। अब देखना यहाँ पे क्या किया, प्राइस ने क्या किया, ब्रेकआउट किया है, ओके। लेकिन यहाँ पे प्राइस ने इसके ऊपर नहीं गया, प्रीवियस हाई से हाई मार्केट अभी नहीं गया। अगर इसके ऊपर प्राइस जाएगा तो हम लॉन्ग पोजीशन पे जाएंगे, अदरवाइज हम वेट करेंगे। देखो अब प्राइस ने क्या मूवमेंट किया, जरा टाइम सस्टेंस किया एंड इसके ऊपर चले गया। अब हम यहाँ पे लॉन्ग एंट्री प्लान करेंगे अपना इस कैंडल के ऊपर, देन हमारे स्टॉप लॉस चाहे तो हम इतना रख सकते हैं, देन हम टारगेट 2:1 रख के देखते हैं। यार 2:1 मोर देन, मान लो हमने 2:1 का टारगेट रखा, क्या प्राइस हमें 2:1 का टारगेट देता है कि एसएल हंट करता है? अब दोनों चीज हम यहाँ पे देखेंगे। अब इस बीच में आपका जो फर्स्ट ब्रेकआउट है उसमें भी वैल्यूम है, सेकंड ब्रेकआउट में भी वैल्यूम है, यानी कि ये जो ये वाला हाई है इसका भी इसके अंदर इस कैंडल में भी वैल्यूम है और आरएसआई भी अच्छा खासा है, लेकिन इसमें हमें टारगेट मिलता है कि एसएल मिलता है
वो चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों देख पा रहे हो चार्ट खत्म, ये फाइनली चार्ट यहीं तक था। लेकिन इस मैटर में अगर आपने अभी तक देखा होगा प्राइस ने क्या मूवमेंट किया, अगेन आपको एक अच्छा प्रॉफिट की तरफ लेके गया। तो ये चीज कभी भी हम ट्रेड चाहे तो हम ट्रेड यहां से भी ले सकते थे, लेकिन ये ट्रेड लेने का मतलब ये था कि यहाँ पे दोस्तों हायर रिस्क होता, क्योंकि जस्ट उसके ऊपर प्राइस ने हाई नहीं बनाया। अब जैसे ही प्राइस ने इसके ऊपर एक हाई बना दिया, प्रीवियस हल्का सा पुल बैक लिया एंड अगेन ऊपर गया, समझे आप। तो इस तरीके से आपको कंफर्म होकर ट्रेड लेना है। अब ये प्राइस हमने देख लिया यहां तक गया, अब आगे हम एक नया चार्ट बनाएंगे। अब मैं इसको पूरा डिलीट करता हूँ, इस चार्ट का भी काम हो चुका है। अब आगे इसमें थेटा कॉइन के अंदर क्या प्राइजेक्शन बन रहा है, अब उसको हम यहाँ पे समझेंगे। अब यहाँ पे हम प्राइस को कनेक्टेड करेंगे और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे प्लान का। ये तो वैलिड, ये ऑलरेडी ब्रेकआउट है एंड अगेन यहाँ यहाँ प्राइस चल रहा है। अब यहाँ से जो प्राइस है ये एरिया पे चल रहा है। अब यहाँ अगर प्राइस आता है और यहाँ पे हमें कंफर्मेशन करता है तो हम लॉन्ग एंट्री अगेन प्लान कर सकते हैं, फिर हम जरा सा ऊपर टारगेट लेंगे एंड एग्जिट करेंगे अपने आप को। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना, और फिलहाल इस समय इसके अंदर कोई वैसा ट्रेड नहीं बन पा रहा है कि आप ट्रेड करो, तो ऐसे ट्रेड को ना सीधा ऑन द स्पॉट अवॉइड कर दो। अब इसके अंदर एक और कंफर्मेशन है, ये चैनल से ये चैनल है और सेकेंड ये हाई से ये हाई है। अब इसके अंदर एक और चैनल बन गया है, ये तो हमारा अंदर का चैनल था। अभी इसके बाद देखिए प्राइस यहाँ से आया, इसको ब्रेकआउट कर दिया, अब ये ब्रेकआउट कर दिया, अब यहाँ पे टेस्टिंग करके प्राइस और ऊपर मूव करेगा, समझे आप। तो ऐसे आपको ट्रेड आइडेंटिफाई करने हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं, ये ट्रेड में देखना आप 4 आवर्स टाइम फ्रेम का ट्रेड है ये। काफी टाइम प्राइस ने यहाँ से सस्टेंस किया, लेकिन ब्रेकआउट के बाद प्राइस सीधा ऊपर मूव किया, उसके बाद रुका नहीं। लेकिन अगर वही ट्रेड को हम यहाँ पे अगर हम लॉन्ग एंट्री करते या यहाँ पे हम लॉन्ग एंट्री करते तो प्राइस में क्या था, एक ही जगह सस्टेंस कर रहा है, एक ही जगह सस्टेंस कर रहा है। लेकिन फाइनल ब्रेकआउट के बाद ही आपको ये चीज देखने के लिए मिला प्रॉफिट। और एक चीज, अब यहाँ पे ये है 4 घंटे का टाइम फ्रेम, हमने प्रीवियस में सारे डाटा पे हमने यहाँ पे देखे। फर्स्ट वाले पे हमने 1 आवर्स टाइम फ्रेम देखा था, सेकंड पे 1 आवर्स टाइम फ्रेम देखा था एंड थर्ड वाले पे हमने 4 आवर्स टाइम फ्रेम देखा था। और जो कि 4 आवर्स का टाइम फ्रेम ने भी यहाँ पे एक अच्छा वर्क किया, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये ब्रेकआउट के बाद प्राइस ने एक अच्छा यहाँ पे मूव किया है ऊपर की तरफ, क्योंकि हमने ये ब्रेकआउट देखा था। ओके, जो कि एक प्राइस 4 घंटे के सपोर्ट से रिवर्सल होके ऊपर आ रहा था। लेकिन यही चीज 1 घंटे के चार्ट में काम नहीं किया है, 1 घंटे में ड्रॉप हुआ है और 1 घंटे में यहाँ पे भी ड्रॉप हुआ था। अब इसको 4 घंटे के चार्ट में देखते हैं। अभी 4 घंटे के अगर प्राइस एक सपोर्ट से आ रहा है तो ओके, एक सपोर्ट से अगर प्राइस आ रहा है तो ये आप डिसीजन ले सकते हो जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे या तो ऊपर से, ये कहाँ पे काम करते हैं, प्राइस देखना, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, फाइनली थर्ड टाइम प्राइस यहीं से सपोर्ट लिया। ओके, अब प्राइस ने अगर यहाँ पे मोर देन 3 टाइम्स यहाँ पे सपोर्ट लेके एंड अगेन ऊपर जा रहा है, अब यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट मिल रहा है, तो यहाँ से ये कंफर्मेशन हो जाता है कि प्राइस ऊपर जाएगा। अब प्राइस इसके बाद प्राइस ने क्या किया, ये प्रीवियस हाई के ऊपर प्राइस यहाँ पे क्लोज किया, कितने टाइम फ्रेम में, 4 आवर्स टाइम फ्रेम में, यहाँ पे 1 आवर्स टाइम फ्रेम नहीं है। तो अगर आपने 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे भी अगर आपने ये ट्रेड किया फ्रॉम एग्जाम्पल, और आपने एक छोटा सा टारगेट 2:1 या तो प्रीवियस हाई आपने रखा, तो भी मोर देन 15% का यहाँ पे प्रॉफिट है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे प्राइस के पास ग्रीप देखते कितना बड़ा है, 37% का ग्रीप है प्राइस के पास। मतलब प्रीवियस में हमने जो डाटा देखा था इस चैनल के अंदर बहुत बड़ा रेंज नहीं था, कितना था, 9% का रेंज था इस चैनल के अंदर। एलिस के चैनल के अंदर जब हमने आइडेंटिफाई किया था ट्रेड को, जब यहाँ से ट्रेड ने फॉल किया था, तो इस चैनल के अंदर क्या, ये तो चैनल ही हमने नहीं ड्रॉ किया था। मान लो अगर हमने चैनल ड्रॉ भी किया तो
तो 6% का ग्रिप था, लेकिन इसके अंदर है कितने परसेंट का, 37% का ग्रिप है। प्राइस ब्रेकआउट किया कहाँ पे, 16% के ग्रिप में। ऑलरेडी यहाँ पे बहुत बड़े ग्रिप बचे हुए हैं, तो यहाँ तक तो बायर आराम से इजीली लेके जाएंगे, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर हम बात कर रहे हैं, हम इसको छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे ट्रेड आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल बना है कि कहाँ पे आपको ट्रेड करना है एंड कहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है, उसके बारे में मैंने आपको ये वीडियो बताया। जब भी हम ट्रेड, अब यहाँ पे नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई भी ट्रेड करने जाते हो तो एक बड़े टाइम फ्रेम में उसका रेंज ड्रॉ कर लो, उसके अंदर अगर ट्रेड चल रहा है तो आपको फुल्ली ट्रेड को अवॉइड करना है। और जब भी ट्रेड, मान लो अभी एक और चीज दिखाता हूं मैं आपको, जब भी मान लो ट्रेड एक बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट के पास जब प्राइस आवे, जब भी एक सपोर्ट के पास प्राइस आता है, तो आपको सिंपली एक छोटे टाइम फ्रेम में आ जाना है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब ये सपोर्ट के पास आ गया है, अब ये 15 मिनट के अंदर आपको ब्रेकआउट ट्रेड आइडेंटिफाई करना है, जैसे ये हम यहाँ पे करेंगे। लेकिन यही चीज अगर आपको, यही सेम चैनल अगर आपको ये जगह पे मिले तो ट्रेड मत करना, क्योंकि ये बीच का एरिया है, ये हवे में आप ट्रेड करने के लिए जा रहे हो। अब ये प्योरली सपोर्ट के पास हमें मिल रहा है, तो जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा हम लॉन्ग एंट्री प्लान करेंगे, लेकिन कब वो भी जानना जरूरी है। इस एंट्री के क्लोज होने के बाद, यानी कि प्रीवियस का जो लोअर हाई है इसके क्लोज होने के बाद हम लॉन्ग एंट्री प्लान करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। चलो फाइनली प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया। अब ब्रेकआउट के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लॉन्ग एंट्री प्लान किए, एसएल मान लो हमने छोटा सा रखा, या तो हम यहाँ पे रखेंगे तो और सेफ साइड है, मान लो हमने यहाँ पे ही रख दिया, यहाँ पे भी चलो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। और टारगेट फ्रॉम एग्जाम्पल हमने प्रीवियस का जो हाई है हमने कितना ही टारगेट आइडेंटिफाई किया इस ट्रेड के लिए। ओके, देखते हैं यहाँ पे टारगेट हिट होता है कि एसएल। लेकिन इस ट्रेंड के अंदर देखना एक और चैनल नीचे से अभी हमें सपोर्ट करता हुआ मिल चुका है। देखिए यहाँ पे हमारा क्या प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई हमने किया। अभी ऐसे कुछ चैनल ना हो सके दोस्तों यहाँ पे ना रनिंग में अपने को देखने के लिए मिल जाए, और जो चीज मैंने आपको बताया कि बीच में हमें ट्रेड नहीं करना है उसके बारे में, तो देखते हैं इस बीच में अपने को कुछ देखने के लिए मिल रहा है क्या वैसा, तो हम जबरदस्त आइडेंटिफाई करेंगे। और ये चैनल हमारा कुछ ऐसा काम कर रहा है, अभी देखते हैं कुछ तो ऐसा हम अपने को चैनल देखने के लिए मिलेगा। ऐसा कुछ खास अभी नहीं दिखा, जहाँ पे हम ट्रेड बाय करके भी ना वहाँ पे फंस जाएंगे, क्योंकि वो एरिया सपोर्ट से काफी दूर हो गया है, यहाँ पे बीच में आ जाएगा, कुछ ऐसा बने तो मजा आ जाएगा। देखिए प्राइस कितने बार इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, दूरी से, दूर से हवे में चले जा रहा है प्राइस। अभी ये चैनल मैं आपको दिखाऊंगा बस। ओके, अब ये चैनल ध्यान से देखना, ये है बीच का एरिया। ओके, प्योरली बीच में आ गया प्राइस, यहाँ से सस्टेंस करते हुए यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे न्यू ट्रेडर्स ऐसे क्या करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, यहाँ से क्लाइंट ड्रॉ कर देंगे। अब फाइनली क्या करेंगे, इसकी ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे, लेकिन हमें इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेना है, हमें इसकी ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है ये वाले के। ओके, अब देखा ना प्राइस ने तुरंत इसके ऊपर ब्रेकआउट कर चुका है, अब चाहे तो हम अपनी लॉन्ग एंट्री प्लान यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हैं, लेकिन जो प्राइस का रेंज है एक बार रेंज को देख लो, अभी रेंज यहाँ पे इतनी दूरी तक है, तो मोर देन हाई पॉसिबिलिटी है कि प्राइस इतने रेंज को तो ऑलमोस्ट कवर कर सकता है। सबसे पहले रेंज देखते कितना बचा है, 18% का रेंज है, और प्राइस ने तुरंत
ऑन द स्पॉट प्राइस ने क्या किया, ऑन द स्पॉट प्राइस ने यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल फ्लो कर दिया। अब यहाँ पे प्रीवियस हाई के मुकाबले ये, यानी कि हमारा जो रेंज निकल के आ रहा है मात्र इतना ही रेंज निकल के आ रहा है, तो आई थिंक सो ये ट्रेड को प्योरली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रेंज नहीं निकल रहा है, रिजेक्शन यहाँ से प्राइस को आसानी से मिल सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे रिजेक्शन मिलता है तो टारगेट हिट होता है। देखो यहाँ पे प्राइस ने काफी टाइम सस्टेंस किया और डायरेक्टली ऊपर गया, लेकिन हमें जो प्रॉफिट मिल रहा था इतना, तो ऐसे ट्रेड को भी हम अवॉइड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा प्राइस ने एक बार सस्टेंस किया क्योंकि यहाँ पे सेलर बैठे थे, लेकिन एक बड़े ब्रेकआउट के बाद वो फाइनली फेल हो गया। अब इसके अंदर हम कोई देखेंगे, अब रेंज तक पहुंचा है प्राइस, अब ये ट्रेप हमें मिल सकता है यहाँ पे कोई, जहाँ पे एक नॉर्मल व्यक्ति तुरंत ऑन द स्पॉट फंस जाता है। अब एक बार बस प्राइस नीचे आ जाए, अब ऊपर चले जा, एक बार ऊपर चले जा, अरे भाई चले जा। वाव 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 बरोबर। अभी ये प्राइस कहाँ पे पहुंचा है, एज एक बड़े लेवल के पास पहुंच गया है। अभी एक नया पर्सन क्या ट्रेड आइडेंटिफाई करता है, यहां से एक चैनल यहाँ ड्रॉ कर लेगा, देन यहाँ से एक चैनल यहाँ ड्रॉ कर लेगा। मान लो ये चैनल हम पकड़ते, बन रहेगा कोई चैनल, यहाँ पे कोई खास चैनल नहीं बन रहा नीचे वाला, लेकिन देखते हैं आगे हो सके बन जाए। अब इसकी ब्रेकआउट पे वो एंट्री लेगा, लेकिन उसके पास क्या ग्रिप बचा हुआ है, नहीं बचा है मोर देन। यहाँ पे क्या होगा, अगर ये ब्रेकआउट करता है इसके ऊपर तभी हम लॉन्ग एंट्री प्लान करेंगे, लेकिन रेंज भी हमारे पास है नहीं, तो उसका भी हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर उसके ऊपर क्लोज करता है तो लॉन्ग एंट्री करेंगे, देखते एसएल हिट होना कंफर्म हो सकता है। लेकिन प्राइस देखिए सडनली उसके ऊपर नहीं गया। अब यहाँ पे एक ट्रेड क्या बनेगा, एक चैनल कुछ इस तरीके से अपने को यहाँ पे दिख गया, दूसरा तो जो सपोर्ट है वो हमारा सपोर्ट का काम कर ही रहा है, ऑलरेडी ये सपोर्ट का हमारा यहाँ पे काम कर ही रहा है, लेकिन ये दिख गया। अब यहाँ पे मेन और असली गेम यहाँ पे स्टार्ट होगा, प्राइस यहाँ तक पहुंचा है, हमें लॉन्ग एंट्री इसके ऊपर से लेना है ना ही कि नीचे से लेना है, हमने अलर्ट यहाँ पे लगाया। अभी देखते हैं प्राइस क्या कर रहा है। नहीं आ पाया प्राइस, देख रहे हो प्राइस यहाँ तक नहीं आ पा रहा है, लेकिन इस ट्रेंड को प्राइस ने यहाँ पे प्योरली तोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल जो एक पर्सन ट्रेड करता है वो क्या माइंडसेट करेगा अपना, ये सब कैंडल्स के ऊपर, जैसे यहाँ पे आया, हाँ भाई ये प्राइस इस रेंज तक अगेन पहुंच गया, यहीं से लोग लॉन्ग एंट्री करते हैं और अपने स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो इस बीच में हमें अब कोई ट्रेड ही नहीं करना, यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे अब लोग शॉर्ट ऑर्डर लगाने के लिए बैठे, क्योंकि ये जो रेंज हमने पहले ही बात किया था 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर, जो रेंज हमने डिसाइड किया था ये रेंज है हमारा, ये रेंज है, तो ये रेंज तक मार्केट पहुंच चुका है, कमाने वाला कमा रहा है। अभी आप अगर वहां पे ट्रेड करने के लिए जाओगे तो आपको लॉस ही मिलने वाला है, प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, समझा। तो दोस्त आपको ट्रेड कुछ इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है मार्केट में, तब एक प्रॉफिटेबल ट्रेड होगा, और इस बीच में आप कोई ट्रेड मत लो, इसके ऊपर या तो इसके नीचे ट्रेड लेने की कोशिश करो, और ये 1 hour 4 hour जो भी टाइम फ्रेम हो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। आई होप दोस्तों ये वीडियो में आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा, कैसे में ट्रेड आइडेंटिफाई करना है, और अगर अधिक जानकारी चाहिए, और भी ज्यादा अच्छा जानकारी चाहिए, इससे भी बेटर मैं आप चाहते हो कि पावरफुल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं, जिसमें मैं बहुत सारे कॉइन्स को मैं पहले से ढूंढ के रखूंगा और उसके अंदर प्रॉपर एकदम अच्छे से आइडेंटिफाई पूरा करके एक एक लॉजिक आप लोग को बताऊंगा, तो कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज करो, मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो के अंदर।